सो हे गाइस, न्यूज़ बॉय हियर। तो आज के वीडियो में मेरे पास बहुत सारे न्यूज़ है, तो यार वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं भुवन बाम के बारे में। तो भुवन बाम के चैनल पर आपको एक नया चीज देखने को मिलेगा अभी जब आप उनके चैनल पर विजिट करोगे। तो अब वो क्या चीज है उसी के बारे में बताते हुए भुवन बाम के मैनेजर रोहित कुछ स्टोरीज पोस्ट किए अपने इंस्टाग्राम पर, तो आप भी देखिए उनके इंस्टाग्राम स्टोरीज। हाय दोस्तों, तो आज वो वक्त फिर से आ गया है जब मैं आपके साथ एक नई खुशखबरी शेयर करूंगा, जिसमें मुझे आपको बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। लाइट चली गई है, तो आप देखिए अगली स्टोरी। तो अब आप कोई भी बीवी की वाइंस वीडियो देखेंगे तो उसके नीचे इंडिया में पहली बार यूट्यूब इंडिया और बीवी की वाइंस और शॉपिफाई द्वारा यूथियापा शॉप ऑन आवर चैनल। आप चाहें तो हमारे चैनल पे ये स्टोर टैब पे क्लिक करें। हाँ, और थोड़ा थोड़ा माल और अपडेट हो रहा है, और ये आप ले सकते हैं सीधे YouTube चैनल से बीबी की वाइंस। सो यस, अभी अगर आप बीबी की वाइंस के चैनल पर विजिट करोगे एंड कोई वीडियो देखोगे उनका, तो आप जो है वहां से डायरेक्टली उनका मर्चेंडाइज खरीद सकते हो। एंड जैसे कि रोहित बताया कि बीबी की वाइंस इज द फर्स्ट एवर इंडियन यूट्यूबर टू डू सो, सो ऐसे बहुत बड़ी बात है भुवन बाम एंड उनके टीम के लिए। तो चलिए अगले न्यूज के बारे में बात करते चुकी है फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो कोई फ्लाइंग बीस्ट का जो इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करने की कोशिश कर रहा था कल, जहां उस हैकर ने जो एक मेल भेजा था, जैसे कि आप देख सकते हो अभी स्क्रीन पर वो मेल, जहां पर वो हैकर जो है वो ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड मांग रहा है। उसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए फ्लाइंग बीस्ट ये लिखे, अरे भाई कितने सी हैकर जाइए। एंड ऊपर आप देख सकते हो gmail.com से मेल आया हुआ है उनको। एंड ऑब्वियसली बात है, अगर कोई कंपनी मेल भेजती है तो उनका खुद का वेबसाइट रहता है, ना कि उनका पर्सनल जीमेल अकाउंट रहता है। एंड यहाँ पर वो हैकर जो है वो पासवर्ड एंड ईमेल एड्रेस भी मांग रहा था। एंड आप सबको तो पता ही, अगर इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब कोई मेल भेजता है तो ऑब्वियसली बात है वो लोग जो है पासवर्ड या फिर ईमेल एड्रेस नहीं मांगते, तो वही यहाँ पर वो दिखाए। तो यार आप लोग भी ये चीज ध्यान में रखना, क्योंकि आजकल बहुत सारे अकाउंट्स एंड बहुत सारे चैनल्स हैक हो रहे हैं, तो यार सावधान रहे, सतर्क रहे। और जो हैकिंग से याद आया गाइस, आज हम खूनी मंडे और अपने साथी यूट्यूबर्स के साथ आप सभी के लिए हैकिंग के अगेंस्ट एक अवेयरनेस कैंपेन लाए हैं। हर दिन नए हैकिंग के केसेस रिपोर्ट हो रहे, जैसे कि आप सबको पता ही आजकल, और हम आपके यूट्यूब चैनल और जीमेल अकाउंट्स की एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए ये इनिशिएटिव कर रहे हैं। तो ट्वीट करें, टैग करें अपने फ्रेंड्स और फेवरेट यूट्यूबर्स को, और बताएं उनको यार टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करने के लिए। मैंने भी करके रखा है टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन, एंड ऐसे कोई पेड प्रमोशन नहीं है, वी आर जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू गाइस। तो चलिए अगली न्यूज के बारे में बात करते चुके हैं, द यूके 07 राइडर वर्सेस गौरव जोन के बारे में। तो हुआ ऐसा कि गौरव जोन जो दो दिन पहले अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किए थे, शॉक्ड माय डैड ऑन 200 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑन हायाबुसा, एपिक रिएक्शन। तो ऐसा ही सिमिलर वीडियो था यूके 07 राइडर 4 महीने पहले अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। तो हुआ ऐसा कि गौरव जोन जो दो दिन पहले वीडियो अपलोड किए थे, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो मैच करता है यूके 07 राइडर के 4 महीने पुराने वीडियो के साथ। सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं, कुछ डायलॉग्स भी मैच करते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग कुछ स्टोरीज पोस्ट किए यूके 07 राइडर अपने इंस्टाग्राम पर, तो आप भी देखिए वो क्या कहे। सो यार, हमें कल से ना इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे कि गोबर जोन ने ना आपकी एक वीडियो कॉपी करी है, और मुझे बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा था चल क्या रहा है। लेकिन फिर मैंने उसकी एक रिसेंट वीडियो देखी, ये वाली, एंड मेरे रिएक्शंस इस वीडियो को देखने के बाद ये थे कि गोबर जोन तुम गोबर ही रहोगे। बात ये नहीं थी कि तुमने मेरी वीडियो का कॉन्सेप्ट चुराया, तुमने मेरे पापा के बोले गए डायलॉग्स, तुमने मेरे बोले हुए डायलॉग्स, इवन मेरा जो सीक्वेंस है ना वो बैठने वाला, मेरे पापा का राइडिंग वाला सीक्वेंस, भाई सब कुछ उठा के डाल दिया, कुछ तो अपना कर लेते। एंड मुझे इस वीडियो को देख करके बस ये लग रहा था कि मेरी वीडियो का एक हगू वाला वर्जन है, गोबर जोन भाई कुछ तो कर लेता उस वीडियो में। एंड इतने सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद, यू नो, अगर भाई तूने वो वीडियो उठाई थी मेरे से इंस्पायर होकर के, तो भाई तू कहीं क्रेडिट दे देता, मतलब कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में तू लिख देता इंस्पायर्ड बाय यूके 07 राइडर। बट तुम गोबर जोन, मुझे पता है ये एक्सपेक्टेशन था तुमसे है नहीं, लेकिन तुमने तो हक दिया है, अभी तक बाकी लोग एक्सपोज कर रहे थे तुम्हें, अब हमारी बारी है, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो गोबर जोन। भाई अभी लोगों ने स्पैम करना शुरू भी नहीं किया है और तूने लोगों के कमेंट डिलीट करना शुरू कर दिया है, मतलब ये क्या चल रहा है भाई। तो जैसे कि था यूके 07 राइडर बताया कि वो जो है इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाने वाले अपने चैनल पर, सो लेट्स सी वो अपना वीडियो कब तक अपलोड करते हैं। एंड आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अगले न्यूज के बारे में बात करते चुके हैं नमोकर गेमिंग वर्ल्ड के बारे में। तो नमोकर गेमिंग वर्ल्ड दो दिन पहले एक वीडियो अपलोड किए, आई विल एक्सपोज ऑल गेमिंग यूट्यूबर्स। सो यस, टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो किसके ऊपर है, इंडियन गेमिंग यूट्यूबर्स के ऊपर है बेसिकली ये वीडियो। अब किसी गेमिंग क्रिएटर्स का नाम तो नहीं लिया इस वीडियो में, लेकिन कैरमिनाटी का नाम जरूर लिया यहाँ पर नमोकर गेमिंग वर्ल्ड। यहाँ पर वो बताया कि इंडियन गेमिंग यूट्यूबर्स जो है वो सिर्फ पैसे से मतलब रखते हैं, उन्हें इंडियन गेमिंग कम्युनिटी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर वो बात किए सुपर चैट के बारे में एंड और भी बहुत सारी चीजों के ऊपर बात किए यहाँ पर नमोकर गेमिंग वर्ल्ड अपने वीडियो में। अब मैं पूरा वीडियो तो प्ले नहीं कर सकता, लेकिन छोटा सा क्लिप मैं आपको उस वीडियो का दिखा देता हूँ।
हमारी जो इंडियन गेमिंग यूट्यूबर है, मैं तो साफ खुला मुंह पर बोल रहा हूँ, सारे के सारे एक नंबर के भ्रष्ट हो चुके हैं। किसी को भी मतलब नहीं है इस बात से कि हमारी गेमिंग इंडस्ट्री का होगा क्या। आप में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके कहते हैं, राहुल भाई अब ऐसा नहीं है यार, अभी पबजी के बाद से तो बहुत इंडिया में गेमिंग कल्चर बढ़ा है। कहे का घंटे का बढ़ा है कि गेमिंग कल्चर? अबे भाई वो पबजी का बढ़ा है, बट इन लोगों ने पैसे छाप लिए, हमें क्या मिला है? बाबा जी का टुल्लू। हमारे यहाँ तो जो लोग रोजगार थे वो भी बेरोजगार हो गए। जो कुछ बड़े यूट्यूबर बन गए हैं, गिने चुने 50-100, उन्होंने अपने घर भर लिए। उन्होंने किसकी मदद कर दी भाई? पबजी खेलकर अगर उन्हें सुपर चैट आ गई लाखों रुपए की, किसका घर भर दिया? उन्होंने क्या डोनेट कर दिया? अगर कैरी जैसा बंदा जो रोज के लाखों रुपए सुपर चैट से कमा रहा हो, और कभी कभी उसने महीने दो महीने में तीन महीने में अगर बाढ़ पीड़ितों के लिए कोई डोनेशन वाली सुपर चैट वाला कर भी दिया, तो कौन सा पहाड़ उखाड़ दिया भाई? कि पहले लोगों के करोड़ों रुपए लूट लो, लाखों रुपए लूट लो, और उसके बाद थोड़ा सा दान कर दो, हम बन गए मसीहा। तुम गेमिंग इंडस्ट्री के लिए क्या कर रहे हो जिससे तुम पैसा कमा रहे हो? सो ऐसे अगर आपको नमोकर गेमिंग वर्ल्ड का ये पूरा वीडियो देखना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके देख सकते हो। तो चलिए अगले न्यूज के बारे में बात कर चुके हैं, अमित भड़ाना के बारे में। तो अमित भड़ाना कल अपने इंस्टाग्राम पर कुछ स्टोरीज पोस्ट किए थे, जहां पर वो अपने फैंस एंड फॉलोअर्स से कुछ रिक्वेस्ट किए। अब वो रिक्वेस्ट क्या है वो आप खुद सुनिए। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जब मैं दिल्ली अपने घर पर नहीं होता हूँ तो आप मेरी गैर मौजूदगी में आते हैं, तो अपनी सेहत का ध्यान रखें यार, मेरे परिवार की सेहत का भी ध्यान रखें। और अगर मैं नहीं होता हूँ और वो कहते हैं कि नहीं है, तो इसका मतलब नहीं है। मैं आपको पता है कि मुझे कैसी आदत है, लगातार काम करने की आदत है। घर में बैठता हूँ तो मुझे मतलब बहुत प्रॉब्लम होने लगती है, मतलब एनजाइटी सी होती है कि यार काम करना है काम करना है। तो मैं घर पर काफ़ी कम रहता हूँ, बाकी जब मैं रहता हूँ तो मैं आप सभी से मिलता हूँ। अभी थोड़ा सुरक्षा और बड़ा सुरक्षित होकर मिलना पड़ता है। तो वही है बेसिकली अमित भड़ाना रिक्वेस्ट किया कि उनसे मिलने ना आए उनके घर पर बोल के, क्योंकि ज्यादा करके वो घर पर नहीं रहते। और अभी क्या सिचुएशन होकर रखा है कोरोना वायरस की वजह से वो तो आप सबको पता ही है। तो वही वो रिक्वेस्ट किया कि मिलने ना जाए बोल के उनके घर पर। तो चलिए अगली न्यूज के बारे में बात कर चुके हैं टेक्निकल गुरुजी के बारे में। तो टेक्निकल गुरुजी कल अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट किए थे, जैसे कि आप देख सकते हो अभी स्क्रीन पर। तो पीछे का जो सीट है उस पर आप देख सकते हो एक पानी का बोतल है जो कि एवियन का वाटर बोतल है। एंड इस एवियन वाटर बोतल का प्राइस इंडिया में करीब 600 रुपए है 1 लीटर का। आपने इस ब्रांड के बारे में जरूर सुना होगा क्योंकि विराट कोहली भी यही ब्रांड का पानी पीते हैं। वो देखने के बाद जो है बहुत सारे लोग कमेंट करने लगे। एक ने कमेंट किया, ये पीछे वाली सीट पे जो बोतल है कोहली सर भी वही यूज करते ना? तो उसका टेक्निकल गुरुजी रिप्लाई दिए, नहीं भाई वो अपनी यूज करता है, ये मेरी वाली है। फिर एक और बंदे ने इसी से रिलेटेड कमेंट किया है, उसका क्या रिप्लाई दिया टेक्निकल गुरुजी आप खुद देख सकते हो। तो इसका मतलब टेक्निकल गुरुजी भी जो है एवियन का पानी पीते हैं। अब यार इतना सारा पैसा वो आप कहां रखेंगे यार, वही तो सीन है। तो चलिए अगली न्यूज के बारे में बात करते चुकी है हर्ष बेनीवाल की बहन प्रिया बेनीवाल के बारे में। तो रिसेंटली प्रिया बेनीवाल का बर्थडे था, तो प्रिया बेनीवाल के बर्थडे के दिन हर्ष बेनीवाल ने उनको MG हेक्टर कार गिफ्ट दिया है, जिसका प्राइस इंडिया में शायद 16 लाख से ज्यादा है। उसी के कुछ पिक्चर्स पोस्ट किए यहाँ पर प्रिया बेनीवाल अपने इंस्टाग्राम पर, जैसे कि आप देख सकते हो अभी स्क्रीन पर। उसके कैप्शन में प्रिया बेनीवाल लिखी, गॉट द बर्थडे गिफ्ट ए लिटिल अर्ली, हर्ष बेनीवाल मेकिंग श्योर टू फुलफिल माय एवरी विश एवरी टाइम, थैंक्स फॉर दिस एंड एवरीथिंग यू डू फॉर मी, ढेर सारा प्यार टू माय जूनियर बेनीवाल। सो यस, माय हार्टी कांग्रेचुलेशंस टू प्रिया बेनीवाल फॉर दिस ब्यूटीफुल कार। तो बस आज के लिए बस इतना ही न्यूज़। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। एंड हाँ, अगर तो आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो जाके जरूर से फॉलो कर देना यार, खास करके इंस्टाग्राम पर तो जरूर से फॉलो कर देना, वहां पर मेरे 25,000 फॉलोअर्स भी होने वाले हैं, तो यार जरूर से जाके फॉलो कर देना। एंड आप लोगों को मैं एंटरटेन वगैरह भी कराते रहता हूं इंस्टाग्राम पर, तो यार जाके जरूर से फॉलो कर देना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।